लक्ष्मी नारायण। हाँ, यहाँ से जा रहे हो क्या? पूर्ण रूप से संतुष्ट हो आप? संतुष्ट है, यहाँ की व्यवस्था, डॉक्टर, सभी लोग, यहाँ स्टाफ बहुत अच्छे लगा सर। कैसा लग रहा है इस बीमारी से ठीक होके जा रहे हैं आज? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। जो यहाँ के डॉक्टरों ने आपके साथ मेहनत की है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है, ये एक तो हमारे श्रीमान महफूज आलम साहब हैं जो पहले शुरू के चार जमाती जो थे बिहार कटिहार वाले, तो उनमें से तीन लोग तो पहले नेगेटिव होके हमारे यहाँ से विदा हो गए थे। ये इनकी बीच में एक रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी तो वो भी अब नेगेटिव आ गई है। दो अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो इन्हें भी आज हमने जो है डिस्चार्ज किया है। उसके अलावा जो परतापुर की टीम है उसके हमारे ये चार लोग हैं परतापुर टूनला वाले, और इन सबको आज हमने विदा किया और आज हम बहुत खुश हैं। और ये लोग भी जैसा कि आपने देखा होगा इनके चेहरे पर खुशियाँ थी, हम लोगों ने भी ताली बजा के इनका स्वागत करके इनको सकुशल विदा किया है। और ये सब हमारे डॉक्टर्स की मेहनत का फल है। हमारे सारे डॉक्टर रात और दिन काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ, उनके परिश्रम का ही ये फल है कि आज हम ये 5 और 3 पहले 8 रोगियों को हम अब तक अपने यहाँ से ठीक करके विदा कर चुके हैं 27 में से। सर, 8 लोग जिस तरीके से डिस्चार्ज हुए आपकी मेहनत पे, ना ही कोई शक किया जाता है, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। कुछ अराजक तत्वों द्वारा कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल किया गया था पूरी, वो क्या मामला था वो? देखिए वो एक, मैं तो उसे एक दुर्घटना ही समझूंगा। एक्चुअली 21 तारीख को कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी एक बच्चे के बारे में, तो उनसे जब फ़ोन के लिए हमारे स्टाफ ने कहा तो वो उग्र हो गए। अब उस समय अपने उन लोगों ने, हमारे स्टाफ ने अपने को बचाना ही उचित समझा और फिर उन्हें और बल मिल गया, तभी अचानक उस बच्ची की तबीयत बिगड़ी। तो उन्होंने उसको जो है इस तरह से वीडियोग्राफी करके और उछाला और वायरल किया। हालांकि ये गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो वो हमारे काम में रुकावट बन रहे थे, फिर लेकिन तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए हम लोग पहुँचे, प्रधानाचार्य साहब आई, मैं गया, हमारे सारे डॉक्टर्स गए, हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ उस बच्ची को पहले दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, फिर उससे जो भी आवश्यक उपचार था वो लगाया और आज भी वो बच्ची सकुशल है, प्रसन्न है। अब उसकी ऑक्सीजन भी हट गई है, खा रही है, बिल्कुल आराम से बात कर रही है, मुस्करा रही है, प्रसन्न है। सर, जिस तरीके से हमने भी देखा है कि उस पर वीडियो कॉल पर बात हो रही है, लड़की लगभग सही है, खुश भी हो रही है, ऐसे लगभग क्या सिचुएशन है आप फिर भी उसकी क्या है? देखिए अब वो बच्ची ठीक है, अब वो उसका मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो गया। मैं रोज़ उससे वीडियो कॉल करके बात करता हूँ ताकि जो उसके अंदर डर बैठा हुआ है, डिप्रेशन आ रहा है, वो उसका जो इनर है उसका मोरल बूस्टअप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो बच्ची जल्दी से जल्दी यहाँ से ठीक होकर घर जाए और उसका आगे का जीवन सुखमय रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके।